कैसे हो दोस्तों, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको AEPS ट्रांजैक्शन करने के लिए सस्ते में फिंगरप्रिंट डिवाइस की अगर रिक्वायरमेंट है तो डिवाइस परचेस करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है, लिंक पे क्लिक कीजिए। वहां से आप डिवाइस सस्ते में परचेस कर सकते हैं और फायदे वाली बात यह है कि एक साल के लिए आपको RD सर्विसेज फ्री में मिलेगी। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पीपॉइंट इंडिया और भारत ATM के AEPS कमीशन प्लान का कंपैरिजन किया था। उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया था कि रिटेलर को कौन से ट्रांजैक्शन स्लैब पे कितना कमीशन मिलता है और कौन सा पोर्टल आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। अगर पिछला वीडियो देखना है तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में देखे रखा है, आप लिंक पे जाके पिछला वीडियोस आप देख सकते हैं। और मेरे दोस्तों, इस बार भी वही बोलूंगा, ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं यहाँ पे किसी की तारीफ नहीं कर रहा। ये जो कंपनी मार्केट में कमीशन बांट रही है, बस उसका ही डिटेल में आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। ये अब शुरुआत है, आगे और भी कंपैरिजन की वीडियोस में डालने वाला हूँ, तो अगली कंपैरिजन की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो उसी लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन पे फटाफट क्लिक कीजिए। आज मैं दो और कंपनी के AEPS कमीशन प्लान के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहली कंपनी का नाम है डॉग्मासॉफ्ट और दूसरी कंपनी का नाम है स्पाइस मनी। चलो रिटेलर आईडी एंड सर्विसेज चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो डॉग्मा कंपनी का रिटेलर पोर्टल लेने के लिए आपको चार्ज पे करना पड़ता है, और अगर हम बात करें स्पाइस मनी का, तो स्पाइस मनी का पोर्टल लेने के लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है, यहाँ पे रिटेलर आईडी बिल्कुल फ्री है। दोनों कंपनी के सर्विसेज एक्टिवेशन के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। रिटेलर आईडी क्रिएट करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, लिंक पे जाइए और अपना रिटेलर आईडी फ्री में क्रिएट कर लीजिए। चलो आते हैं कमीशन वाले मुद्दे पे, चलो देखते हैं कि कौन कितना तगड़ा कमीशन देने वाला है। ये तो मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ, आप खुद ही डिसाइड करो कि कौन सी कंपनी AEPS पे ज्यादा कमीशन दे रही है और कौन सी कंपनी AEPS पे कम कमीशन दे रही है। यहाँ पे आज हम कंपेयर करेंगे डॉग्मा कंपनी के AEPS ट्रांजेक्शन स्लैब को स्पाइस मनी के ट्रांजेक्शन स्लैब से। पहला स्लैब है 1 रुपए से 500 रुपए तक का। ये स्लैब में डॉग्मा आपको 20 पैसा पर ट्रांजेक्शन कमीशन देगी और ये वाले स्लैब में स्पाइस मनी आपको 50 पैसा ट्रांजैक्शन कमीशन देगी। दूसरा स्लैब है 501 से 1000 रुपए तक का। ये स्लैब में डॉग्मा आपको फ्लैट 1 रुपीज पर ट्रांजैक्शन कमीशन दे रहा है, और अगर स्पाइस मनी की बात करें, स्पाइस मनी भी आपको 1 रुपीज पर ट्रांजैक्शन फ्लैट कमीशन दे रहा है। तीसरा स्लैब है 1001 से 2000 तक का। ये स्लैब में डॉग्मा आपको फ्लैट 1.5 रुपया पर ट्रांजैक्शन कमीशन देगा, लेकिन स्पाइस मनी की बात करें तो स्पाइस मनी आपको फ्लैट 3 रुपए पर ट्रांजैक्शन कमीशन देगी। चौथा स्लैब है 2001 से 2500 तक का। ये स्लैब में डॉग्मा आपको फ्लैट 2 रुपए पर ट्रांजैक्शन कमीशन देगा और स्पाइस मनी आपको फ्लैट 4 रुपीज पर ट्रांजैक्शन कमीशन देगा। पांचवा स्लैब है 2501 से 3000 तक का। ये स्लैब में डॉग्मा आपको फ्लैट 7 रुपीज पर ट्रांजैक्शन कमीशन दे रहा है और स्पाइस मनी आपको फ्लैट 5 रुपीज कमीशन दे रहा है। अगला स्लैब है 3001 से 3999 तक का। ये स्लैब में डॉग्मा आपको 7 रुपीज पर ट्रांजैक्शन कमीशन दे रहा है और स्पाइस मनी भी आपको पर ट्रांजैक्शन 7 रुपीज ही दे रहा है। अगला स्लैब है 4000 से 10000 तक का। ये स्लैब में डॉग्मा आपको 7 रुपए पर ट्रांजैक्शन कमीशन दे रहा है और स्पाइस मनी की अगर बात करें तो ये स्लैब में 10 रुपीज पर ट्रांजैक्शन आपको कमीशन दे रहा है। दोस्तों, मैंने आपको दोनों कंपनी के कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया है, और कौन से कंपनी का कमीशन प्लान आपको जानना है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन पे क्लिक कीजिए, वरना अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। तो अगले वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए।